ईद पर एक खातून हमारे मुरीदों में से पुलिस आई, तकरीबन 60 साल उम्र, मैं उस कम उम्र आदमी था, मुझे बुला के लेके गई, आप दुआ करें। मैंने कहा भाई आज ईद का दिन है, हम शहीद हो गए, हमारे पास मुरीद आते हैं तो कहीं जाने आने का चांस है। उन्होंने कहा मैं जरा काम से था, मेरे घर में दुआ करें, हम आपके जद्दी मुरीद है, दुआ करें। जब मुझे देखा बड़ी खूबसूरत चीजें पकी हुई है, मैंने कहा ये किस लिए पकाई है? कभी बच्चे हो गए थे उनके लिए पकाया करते थे, उस रसम की यादगार में पकाई। मैंने कहा खाते क्यों? खाने का नाम ये रोती है। और रोते क्यों है? उनके मेरे सारे बेटे इंग्लैंड है, मैं अकेली हूँ, उसे खाया नहीं जा सकता, मेरे बच्चे नहीं है, मैं क्या खाऊं? वो आंखें कहीं मिलेंगी कि 10,000 मील की दूरी पर बैठी हुई सिर्फ इसलिए ना खा सका कि तू नहीं है? ये कशिश तेरी बेगम में है, ये कशिश तेरे ससुराल में है, ये कशिश उस जिगर में है जिस जिगर में कभी सर के मां के पेट में रहा है। हाँ, उन जिगरों से जलती मत करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम वसल्लम की बारगाह में साहबी हाल होते हैं, अर्ज करते हैं यार सुनो, मन अहक बे खिदमती, मेरी खिदमत का ज्यादा हकदार कौन है? सरकार मां उमुक, तेरी मां। अर्ज करता सुन मां फिर कौन? सरकार मां उमुक, तेरी मां। फिर सवाल किया सुन मां फिर कौन हकदार है? सुबह सुबह तुम फिर कौन? उनका मोमो। चौथी मरतबा पूछा गया सरकार का अबू, खिदमत के हकूक मां के ज्यादा है और इख्तियारात के हकूक बाप के ज्यादा है।